इतना बड़ा मैट्रेस भाई, उसका कोई शूट होना है। अब तो काम करते हुए भी दिख रही है आपको, ये तो हिल भी नहीं रहा। भाई से लेके जाना पड़ेगा हमें, मैट्रेस तो काफी है। बहुत मजा। सेलिब्रिटीज शॉर्ट नहीं लेती इस तरह। गाइस इफ्तार होने में ना थोड़ा सा टाइम रह गया। मुझे 1000 रुपए, मुझे जहाँ तक याद है मैंने इसको 5000। मजे का मटन बनाया मम्मी ने। लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ठीक है आंटी, नजर लगाते हो। गर्मियाँ नहीं आ रही यार, मुझे एसी चलाना है। Assalamualaikum everyone, welcome to astrology. This is me Krakawa. Welcome to another vlog. Welcome to another very 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 beautiful day. क्योंकि ये दिन अच्छा है। आप जो भी दिन का आगाज अच्छी सोच से करते हो वो दिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा दिन एक अच्छी सोच से, और सोच ये है कि हेल्प अदर्स। अल्लाह ताला पे ईमान का मतलब ये होता है कि जब आपके पास किसी भी चीज का कोई रास्ता ना निकल रहा हो तब भी आपको यकीन हो कि आपका काम हो जाएगा, वो होता है अल्लाह पे यकीन। जिसको कामिल यकीन बोलते हैं ना, वो होता है कि सब रास्ते बंद लेकिन आपको पता है कि यार कुछ हो जाएगा। तो उस चीज को आपने अपने अंदर शामिल करना है। मैं अपने अंदर कोशिश कर रही हूँ उस चीज को शामिल करने की। जिंदगी में हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं। अल्लाह ताला सबकी चीजें आसान करे, सबके रोजे कबूल फरमाए। उम्मीद करते सबका रोजा भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। मेरा रोजा फिलहाल बहुत अच्छा जा रहा है। और अभी जो है वो मेरे घर के बाहर शोर शराबा शुरू हो गए, लाइक काम शाम शुरू हो गया है। जो एक इतना बड़ा मैट्रेस आप अक्सर किसी व्लॉग में देखते थे आस पास पीछे पड़ा हुआ, इतना बड़ा मैट्रेस भाई, उसका कोई शूट होना है। हमारी वीडियोग्राफर टीम आ गई है। फातिमा मैडम सुबह से तैयार हो गई, और जो मैंने कल ड्रेस पहना था वो फातिमा अभी पहन के बैठी हुई है। तो मैं आपको सारी सिचुएशन दिखाती हूँ। मेरे घर वाले सारे गायब है, मतलब मैं और फातिमा घर पे हैं, डैडी जो हैं वो नीचे आराम कर रहे हैं, और अम्मा हिरा और राबिया कहीं निकले हुए। मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ आपके साथ, दिन का आगाज करती हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया नहीं किया, किसने करना है? आपने करने अभी इसी वक्त, लाजमी कर दें। कह रही हूँ ना कर दें यार, तो कर दें ताकि 2 मिलियन पे हम लाइव आ रहे हैं। तो चलते हैं अपने दिन की तरफ, लेट्स गो। लड़की ने ये कमरा साफ किया हुआ है, और ये कमरा यकीन करें इतना साफ इनका कभी नहीं होता। अब तो काम करते हुए भी दिख रही है आपको, पता है क्यों दिख रही है? क्योंकि इसने यहाँ पे वीडियो बनानी है। और नीचे का अगर मैं आपको माहौल दिखा दूं तो 1 जूता 2 जूता 3 जूते 5 जूते 6 अगर ये रेडी लगाएगी तो 1 करोड़पति हो जाएगी। स्किन अच्छी लगेगी ज्यादा, रेड पे रेड अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हमको सिखा रिया है, तो अब इसको हमने ला के देंगे। तुम ये वाला भी रख सकती हो, ये बहुत हैवी है। दफा हो जाओ, एमए उठवाया मेरे से तुमने, नीचे से। अब मैं नीचे जाऊँ? ऐसे कैसे चलेगा दीदी। नीचे जा रहे हैं अपने फातिमा के शूट का सामान लेने के लिए। एक तो शूट किसी का हो, काम किसी को करना पड़ता है। नीचे भी काफी साफ सुथरा, लेकिन नीचे वीडियो नहीं बननी, नीचे मेरे माँ ने किया। लेकिन डैडी इज सिटिंग हियर, और पापा जी वो कह रही है कि मुझे बड़ा वाला जो मैट्रेस पड़ा हुआ है ना अंदर, वो ऊपर लेके जाना। वो मैं आपको हेल्प करूँ? हम लोग किस मैट्रेस की बात कर रहे हैं भाई? ये वाकई वजनी है यार, ये तो मेरे से ये तो हिल भी नहीं रहा है। तो ये हमको मिल गया है, हम इस ब्लैंकेट को लेके अब जा रहे हैं। फातिमा तुम्हारा ये आ गया है। अच्छा हमारे वीडियोग्राफर्स को नीचे मैट्रेस उठाना भी पड़ेगा। तो कोई मस्ता नहीं, जोर है आपके जोरे बाजू में। फातिमा तुम भी बाकी का जोर लगा, इनके डॉले चेक करा दो सबके, पता लगे सबके डॉले नीचे आएंगे, क्योंकि वो बहुत मस्ती है। अरे अल्लाह मेरे कमरे में गाइस, इसने इतना कचरा कर दिया। अच्छा बैग अगर जिंदगी में मुझे कभी दिया होता तो मैं तुम्हें वापस दे पाती ना। बाहर बैल हुई है, बाहर कौन आया? दिन का आगाज ऐसे होता है, इतना मसरूफ। देखिए तो मेरी मोम आई है। मम्मी सुबह सुबह कहाँ जाती हो आप? वो देखें पापा बाहर भी पहुंच गए, 1 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी का जायजा लेने। और इधर ये वाली ब्लॉगर खड़ी हुई, और राबिया शायद नहीं है, वो शायद यूनिवर्सिटी गई हुई है। और ये लोग जा रहे हैं, मैं नीचे से मैट्रेस उठाने। तुम भी जाओ, तुम खाली यूनिवर्सिटी बैग पहनने का तुम्हें पता है निकल गई है। तुम्हें किस किस्म का बैग चाहिए? अच्छा खासा लग रहा है, एलीट शक्ल भी उसके लिए लीट होनी चाहिए। नहीं दम तो है, देखे मम्मा उन्होंने हिला लिया। ये तो मैं भी कर, मम्मा बस कर दे, मैं उसको हाथ लगा रही हूँ, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह। अब देखो बाहर से पापा आगे से, अभी जब ऊपर इसने जाना ना फिर ये सही मुसीबत डाले। मैं कैमरा चलाना सीखा। हाँ जी काफी भारी है वैसे ये, ऊपर जब लोग ऊपर है। ये देखो जरा ये गिरेंगे, ये यहीं गिर जाएगा मुझे लग रहा है, यहाँ से चला जाएगा। शमसी नीचे नहीं, नहीं बाद में नीचे की जरूरत नहीं है, ये ऊपर ही हमको ठिकाना है। ऊपर से जब कोई लेने आएगा तो बाहर से फेंक देंगे। ये तो मस्तियां कर रहे हैं, इसके मुंह पे लगा ना बड़ा बुरा गिरेगा। शमसी छोड़ना ना, जिंदगी इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। फातिमा बड़ी चलाक है गाइस, फातिमा इज रियली ट्रूली चलाक। यहाँ से कैसे मुड़ेगा, ऊपर से या बाइक से लेके जाना पड़ेगा हमें। हाँ ये देखो जरा, ये फातिमा मैडम तुम्हारे चक्रों में देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो
सो फाइनली शी डिसाइड कि वो जो है वो ये शूट पापा के बेडरूम में करेगी, जो ऊपर की सफाई है। अभी ये देखना है ये कमरे को कैसे साफ करती है। मैं आपको दिखाऊं फातिमा की टेक्निक्स, तो फातिमा से ज्यादा चलाकियां वो सफाई में भी लगा जाती है। मेरी माँ का दो टोपियों वाले ऊपर मैंने इतना रूम सेट किया था, ये मैट्रेस से धोखा दिया। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा। क्या मेरा जितना भी सामान था सारा उठाया बाहर जाके फेंका, मैं इतना मुझे गुस्सा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं वीडियो बनानी, लेकिन बहुत मजा। टॉमी 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 जंडिया इधर इधर, टोम्बा बड़ी कसरत कर रही है फातिमा, कसरत करवा भी रही है और कर भी रही है। घर का सारा सामान सारे मेरी माँ के तकी है फातिमा। ये भी मैं आपको सारे पौधे दिखाऊंगी, पहले जरा ये यहाँ का काम करवा लें। काम शाम चल रहे हैं घर में, मतलब क्या होने वाला है गेस करें कमेंट में। ओके रोजे के साथ लगी हुई काम करने, मंगवा रही हूँ कैंची, दे दो आपको आपको बज रहा है। कैंची चाहिए तुम्हें, जुबान निकाल लो और इस्तेमाल करो। ये देखें गाइस ये क्या कर रही है, ये देखें बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा। यहाँ पे ऊपर बैठ ना, जहाँ तक आ जाना। ये किस पहाड़ी पे चढ़ रही है, ये कौन सा बेड है फातिमा, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी इतना काम करते नहीं देखा जो तुम इस मैट्रेस के चक्करों में कर रही हो। अल्लाह की कसम मैंने तुम्हें वाकई में नहीं देखा कभी इतना काम करते, किसी वीडियो में नहीं ना हुई। हमारे वीडियोग्राफर्स कह रहे हैं किसी वीडियो में इतनी मेहनत नहीं जितनी इस फातिमा मैडम की इस मैट्रेस के चक्करों में। सेलिब्रिटीज शॉर्ट नहीं लेती इस तरह। या अल्लाह इसके शॉर्ट में। और मम्मी तो परेशान पे परेशान हुई जा रही है कि मेरे कमरे का हाल क्या कर रही है। हाँ उसके बाद इसकी डांट डपट लगेगी, ठीक है ना फातिमा। तो मैं तब जा रही हूँ भाई इनको काम करने दे अपना। एकदम से डमी क्यों, डमी आ गई, डमी आ गई है राबिया। ये क्या लेके आई हो यार, ये ना हमारी यूनिवर्सिटी में ना आए हुए थे पेप्सी वाले, वो ना स्कूटी चला रहे थे। हाय कितना क्यूट है यार, ये मेरे पोषण स्कूटी चलाई तो हमें मिला कितना, ये बस मेरा है ठीक है, थैंक यू राबिया मुझे देने के लिए, दे दो ना यार। चलो और राबिया हम इफ्तारी बनाने लगे हैं, इफ्तार का सामान बनाने लगे हैं। ये तो बाजार का घर का तो नहीं है बेटा, आज मम्मा का नहीं दिल कर रहा था कुकिंग करने का। मम्मा जो है वो इतने सारे गल में बैठ के यहाँ बैठ के ना आलू काट रही है आलू, और ये बाद में फ्राई करूंगी, दी बेस्ट लागर इकरार कवल करेगी ठीक है। सज के ये बैठी हुई है, इस बंदी को कोई होश है जिंदगी में। लगा नहीं है वो उन बेचारों को, तुमने सराने भरने में भी रख दिया फातिमा, खुदा को ना खौफ करो उनको ना, नेक्स्ट टाइम कहिए नहीं कॉल आने के सर हमने आपसे वीडियो कर, उन्होंने कहना सर हमने सराने भरवाने हैं, हम लोग अपना मैट्रेस उठवाना है, तो मेहरबानी करके आप दोनों तशरीफ ले आए। वो बेचारों को आगे कह रहे हैं कोई और हमारी पोल खोले ना खोले, इकरा कमल का ब्लॉग तो खोलेगा। घर की हालत देख सकते हैं ये क्या हुई पड़ी है, यहाँ 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 यहाँ। अब ये देखना ये 5 मिनट के अंदर अंदर ये लड़की साफ करेगी। जाओ तस्वीर ऊपर से लाइट लेकर आओ, हम नई वीडियो बना। चटनी ले ली? नहीं चटनी वो येलो वाली ये नहीं ली, वो वाली डाल ली। गाइस इफ्तार होने में ना थोड़ा सा टाइम रह गया, ये देख लें आज की इफ्तारी, पकौड़े समोसे शिकोड़ी शिकोड़ी फटाफट फटाफट। मम्मा ने वैसे मटन का बड़ा मजे का सालन बनाया, इसलिए इफ्तार में बहुत ज्यादा चीजें नहीं मैं रख रही। हमारी स्पेशल इमली की चटनी, तो इसके साथ भाई समोसे पकौड़े बहुत 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 मजे के लिए बैठे बैठे रोजा इफ्तार की। और यहाँ पे इसको पिछली दफा 5 हजार दी थी ना, मुझे मिली ना तुमने दी थी। गाइस पिछला व्लॉग ईद का देख के आए और बताए कि मुझे 1000 रुपए, मुझे जहाँ तक याद है मैंने उसको 5000, मैंने उसको 5000 यार अभी ईद आई नहीं, तुमने 5000 जरूर निकाला था लेकिन वो तुमने 5 में डिवाइड किया। पांचों में डिवाइड कर ही नहीं सकती अपने आप को, मैं कैसे ईदी दे सकती हूँ। मेरी बहनें मुझसे लड़ रही है, दो अंदर सोई हुई है और ये तो मुझसे बहस कर रही, अभी तुम्हें कितनी ईदी चाहिए मेरे से? मैं लेना चाहती हूँ 5। जाके ना शक्ल देखना एक दफा अपनी शीशे में, डबल डबल दफा देखना ठीक है। नहीं कर रही, सोच रुपया कोई ईदी है यार, 100 रुपया बैलेंस करवाने जाओ कट कट आके 60 रुपए यार, ये सबसे मजे की चीज। सो गाइस मैंने इफ्तारी वगैरह कर ली थी, अब जो बारी है वो है जी टी टाइम की, तो मेरा फातिमा का और मम्मी का टी टाइम स्टार्ट हुआ। चाहिए नहीं खाती मैं चॉकलेट वाला। बेटा ये है आपके लिए स्पेशल, अल्लाह इसको देखो जरा सारे, मतलब ये इनकी खुराक। हाँ ये दोनों में सलूक सोने में भी इकट्ठा इकट्ठे एक साथ सोती हैं। ये बंधन तो पापड़ का बंधन है क्या? यस। तो मैं गाइस मेरी बारी है, मैं फोन चार्ज पे लगा दूं फिर आती हूँ।
तो जी अब जो मेरी माँ ने बेहतरीन किस्म की आज क्या बनाई है दिखाएं जरा। ओए होए होए मजे का मटन बनाया मम्मी ने। और बाकी जो भूखी हस्ती है ना वो सारी सारी की सारी भूखी हस्तियां वहाँ बैठ के वेट कर रही हैं, मतलब खाना खाना है, सबको भूख लगी हुई है। वन फोन टू फोन थ्री फोन 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 बस और कुछ नहीं करना। तो इसको तो कुछ नहीं है, सोना है, उठना है, पापड़ खाना है, गंद खाना है और हंसना है। नजर आता है जो काम करती हूँ तो मुझे ये खिला दो बस। हर हाल में इसको ये खाना है। चाउमीन पास्ता समझ आ गई। तो 19 मार्च 2022 में खाया था मैंने। सारा दिन इस लड़की ने आज खपाया है। ये देखिए कैसे सारा घर बिल्कुल अब क्लीन हो चुका है, बिल्कुल क्लीन। राबिया पहले ना बैठ के सुकून से, गाइस हमारा खाना आ चुका है, अब हम लोग खाने लगे। मम्मा बाकी को बुला ले यार, हम लोग वेट में आपको दिखा दूं मेरी माँ की मजेदार। और बाकी बहुत मजा आया। मुझे फटाफट डाल दें बिकॉज आई रियली वांट टू Eat something. I'm very hungry. मेरी अम्मा जैसा मटन मैंने आज तक किसी का नहीं खाया। ये जो मिक वाली बोटी होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। राबिया सिर्फ खीरे खा रही है, दो मिनट में आती सिर्फ खीरे खाती है। अम्मा सबको बुला रही हैं, लेकिन मेरी बहनें हिलने का नाम नहीं ले रही हैं। Nice. तो जी रात का इस वक्त 1:30 बज रहा है, और 1:30 बजे हमारे घर पे क्या हो रहा है जी, कपड़ों की प्रेसिंग हो रही है। मानो ने सुबह स्कूल जाना है, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेस हो रहा है। हाँ संडे है मानो, प्रैंक कर रही थी, प्रैंक छुट्टियां। और सुबह पता है क्या है, मॉम एंड डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है। यस यस, कल आप इनवाइटेड हैं सर, कल हम बड़ा बेहतरीन एहतमाम करने वाले हैं सर, कल प्लीज तैयार हो जाइएगा इस यूनिफॉर्म में। नहीं राबिया के बिस्तर पे, ओ अल्लाह मेरा दुपट्टा, और मैं दुपट्टे के साथ जूता अटक गया यार, ये कितनी बुरी बात है। एक मीम दिखाती हूं। अच्छा मैं आपको एक मीम दिखाती हूँ गाइस, ये है स्पाइडर मैन जिसने चुराया मेरे दिल का चैन। हर टाइम ऐसी आंटियों से बचना चाहिए जी। राबे मुझसे तो खास तौर पे बचे, मैं बहुत जहरीली हूँ, जहरीली उंगली। तो फिर सुबह कहाँ जाना? सुबह हम लोग स्पेशल 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 सेलिब्रेशन करने वाले हैं। पापा ने ना वैसे मामा के लिए सरप्राइज प्लान किया है, मुझसे थोड़ा सा डिस्कस किया, वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी। तो फिर आपको कल बड़ा मजा आएगा वो वाला व्लॉग देख के। और वैसे भी पिछली दफा रोजों में नहीं थी, इस बार रोजों में आई है, तो लेट्स सी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्या मतलब पिछली बार रोजों तो एक ही बार आते हैं? नहीं मंथ चेंज हुआ है, हाँ डेट चेंज हुई है। मानो तो मैं गर्मियाँ नहीं आ रही यार, मुझे एसी चलाना है। अच्छा तुम इस्त्री चला लो एसी की बजाय, ठीक है। पहले ये बताओ कि गरीब भाई की ईद थी वो ले ली? गरीब भाई की ईद सालियों ने लेनी थी। सिर्फ लड़कियाँ नहीं लड़के भी देते हैं, सॉरी लड़के नहीं, सिर्फ लड़कियों को भी ईद देनी चाहिए। कुछ मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। क्या मतलब? लड़कियों को भी देनी चाहिए तो मैंने देनी है, तो हम लोगों ने देनी है क्या उसको? जैसे कि क्या क्या होता है ईदी में यार, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। मैंने अरीब के लिए ना हम खैर मम्मा ने तो मुझे बताया कि क्या क्या होता है, लेकिन वैसे क्या क्या होना चाहिए ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। तुम बताओ क्या होता, तुम्हें बड़ा पता है। लड़कों को कुर्ते दे दो आप, या फिर घड़ी दे दो, या फिर या नहीं होता दे सर। लड़कों को तो हम चूड़ियां और मेहंदी दे सकते हैं, कुर्ते ही देते हैं मोस्टली, कुर्ते ही पहनते हैं। हाँ दफा हो जाओ तुम। लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीदना बहुत आसान है, क्योंकि वो हर चीज उनके, वो बैग, झुमके, ज्वेलरी, चूड़ियां, जूते, कपड़े, ओनियां, शूनियां, मस्कारा, मेकअप, घड़ी, परफ्यूम, पता नहीं क्या क्या। लड़कों के लिए चीजें सिलेक्ट करना ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब वो हार्डली गिन चुन के बेल्ट, वॉलेट, परफ्यूम और कुछ समझ नहीं आता। हाँ कुर्ता और फिर क्या करती हूँ मम्मी से डिस्कस, और फिर हम शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। अपनी भी ईद की करनी है यार, अपनी तो शॉपिंग ही नहीं करी। चलो गाइस आई एम गोइंग टू माई रूम। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और इधर ओ माई गॉड एक अदद लड़की है, ये स्पाइडर मैन ने यहाँ पे कितना गंदा था सब देखती हूँ, इसने अपना कमरा साफ किया है कि नहीं किया। ओ माई गॉड इतनी साफ कर दिया सारा कमरा इसने, और उसने अपनी चीजें ला के वापस से कर लिया, उसने उठा के बाहर फेंकी थी। बदतमीजी अभी अपनी नाइट केयर रूटीन करने लगी। ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी नाइट केयर रूटीन क्या है भाई। अपनी स्किन को जितना हो सकता है ना हाइड्रेट रखें। अभी वैसे भी ईद आने वाली है, तो ईद से पहले अपनी स्किन चकाचक, मुझे पता है ईद से 2 दिन पहले पिंपल पता था कि फातिमा को भी निकले हैं। ये लगाती है ये लड़की, ये पता नहीं क्या कोनियों पे क्यों यार। ये देखो मेरी तो इक्वल है जैसी मेरी बाजू है, मेरी हड्डी छोटी है फातिमा, तो मैं बनॉर्मल हूँ। देखो तुम्हारी
हमारी हड्डी नॉर्मल लग रही है, ऊपर तिल भी है, ऊपर से पूरा पूरा नॉर्मल है। लोग अपने मुंह पे लगा ले, बड़ी बात है, अपने बाजुओं को चमका रही है। खैर अभी मैं लगी सोने, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।